वैक्सीनेशन की तैयारियां अंतिम चरण में है और इस मौके पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि मुझे खुशी है कि 16 तारीख से दिल्ली में वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स को लगेगा। मैं अपील करता हूं कि इसके बारे में भ्रांतियां ना फैलाएं। केंद्र सरकार और वैज्ञानिकों ने सभी प्रोटोकॉल फॉलो करके दवाई वो लेकर आए हैं, इसीलिए हम इस पर कोई शंका नहीं होनी चाहिए। मैंने केंद्र सरकार से अपील की थी कि पूरे देश में सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दी जाए। हम देखते हैं कि वो इस पर क्या फैसला लेते हैं। अगर केंद्र सरकार मुफ्त में नहीं करती तो जरूरत पड़ने पर हम लोग दिल्ली के लिए ये वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध करवाएंगे। जरूरत पड़ेगी और केंद्र तो दिल्ली के लोगों के लिए अगर जरूरत पड़ेगी, केंद्र सरकार अगर नहीं करेगी तो दिल्ली के लोगों के लिए फिर हम उसको फ्री अवेलेबल करवाएंगे। मैंने अपील की थी केंद्र सरकार से, मैंने अपील की थी कि हमारा देश बहुत गरीब है और इस तरह की महामारी 100 साल में पहली बार आई है, पहले इसके 19। मैंने अपील की थी केंद्र सरकार से, मैंने अपील की थी कि हमारा देश बहुत गरीब है और इस तरह की महामारी 100 साल में पहली बार आई है, पहले इसके 1918 में इस तरह की महामारी आई थी, 100 साल के बाद इस तरह की महामारी आई है और बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है इसको अफोर्ड ना कर पाए। तो मेरी अपील थी केंद्र सरकार से कि पूरे देश में सभी लोगों को ये वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराई जाए। तो हम देखते हैं कि केंद्र सरकार क्या करती है और अगर जरूरत पड़ेगी और केंद्र तो दिल्ली के लोगों के लिए अगर जरूरत पड़ेगी, केंद्र सरकार अगर नहीं करेगी तो दिल्ली के लोगों के लिए फिर हम उसको फ्री अवेलेबल करवाएंगे।